कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहना है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। आप मोदी जी की गारंटी को लेकर इतनी बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस भी इस बार गारंटी वारंटी लेकर आई है, न्याय की गारंटी है। और न्याय की गारंटी के अंतर्गत कहाँ दिखोगे आप लोग, 1250 की लाडली बहना योजना है, 1000 रुपये की आपकी महतारी वंदन योजना है छत्तीसगढ़ में, उसके मुकाबले में राहुल गांधी की 8,500 रुपये महीना देने की गारंटी है। आपको लगता है आपकी कोई जमीन वमीन भी बचेगी? ये राहुल गांधी के ऊपर हिंदुस्तान की जनता ने कभी भरोसा ही नहीं किया। पिछले घोषणा पत्र निकाल के देखिए, गंगाजल हाथ में लेके, गीता हाथ में रख के जो जो संकल्प किए थे, 500 रुपया महिलाओं को प्रति माह देने की बात वादा किया था। 500 क्या, यदि साल में 6,000 रुपये भी दे दिए होते तो कुछ तो असर पड़ता। विकलांग के लिए, विधवावस्था पेंशन के लिए, इन सब के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मगर आज मुझे लगता है कि कांग्रेस की घोषणा और कांग्रेस की घोषणा पत्र निश्चित रूप से जनता के मन में उसका कोई ना भरोसा है। और दूसरा, आप खुद यदि 40-50 सीट जीतने की स्थिति में हैं, आप देश को वादा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भरोसा कर, आपकी दुकान खुलने वाली नहीं है, आप प्राइस लिस्ट क्यों टांग रहे हो भाई? क्योंकि ये दुकान तो बंद है पिछले 10-15 साल से, और 15 साल बंद होना है। आपके प्राइस लिस्ट में भरोसा कौन करेगा कि आप सस्ते में अनाज दे रहे हो करके? आपका जनता को आपने बार बार ठगा है, और इसलिए छत्तीसगढ़ और देश की जनता राजीव गांधी को जानती है।